जय माँ काली। जुड़ जाएं सभी लोग, सभी साधक। आज हम बात करेंगे मसानों के ऊपर। तेलिया मसान हो गया, कालिया मसान हो गया, हल्दिया मसान हो गया। इन मसानों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो नए साधक हैं, जो नए साधक काफ़ी रुचि रखते हैं हर साधना में, तो जो मसान सिद्ध करना चाहते हैं, जिन्होंने हमको फ़ोन किए हैं, मैसेज किए हैं, नए हैं साधक, और ये बहुत ही एक नायाब शक्ति है, हमारे खुद के द्वारा बहुत प्रयोग की गई है। तीनों मसानों की अपनी अपनी खूबियां हैं, लगभग तीनों हर काम कर देते हैं, और बुरे से बुरा कार्य भी जो है लोग इनसे लेते हैं। लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि आप इनको जो है अपने भले के लिए, लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करो। जो तेलिया मसान है वो काफ़ी पावरफुल होता है और काफ़ी कुशल कार्य करता है। जो कालिया मसान होता है, इसकी मारण की क्षमता बहुत होती है, बहुत जल्दी अगर किसी के ऊपर मारण प्रयोग इसका छोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति कुछ ही दिन निकालता है, उसको कोई बचाने वाला भी नहीं आता है, इतना खतरनाक होता है। ये अपना काम करके समेट के ही आता है। इसके द्वारा बहुत मारण किए हैं तांत्रिकों ने भारत में, हमें मालूम है अच्छे से। और कालिया मसान के प्रयोग के हमारे पास काफ़ी जो है केस आए हैं, काफ़ी लोगों जो है पीड़ित थे इससे। कई बार ये यूं ही लगा दिया जाता है, कई बार जब मारण प्रयोग के लिए जब लगाया जाता है तो समय ज़्यादा नहीं होता है इंसान के पास। हल्दिया मसान कर सकते हो वशीकरण के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत वो कुशल है। तीनों कर सकते हो, बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधना कोई भी हो, पहले डर लगता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी फिर आपको उसका फ़ायदा भी उतना ही मिलता है। तो आप कभी भी साधना से घबराएं नहीं, कवच रहता है, रक्षा घेरा रहता है, इसी कारण होता है कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। शक्ति डरा रही है, उसका कोई आपको है नहीं, अपना मंत्र जप करते जाएँ। बहुत अच्छी साधना है, जिस भी साधकों ने करनी है, जो नए साधक हैं, जिन्होंने ले ली है साधना वो अपनी करते रहें, जिन्होंने लेनी है अभी साधना वो लेकर इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छे हैं तीनों मसान, हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे, सभी जो है अपनी अपनी जगह जो है बहुत बेहतरीन है। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ काली।